बिग बॉस को मिल गए हैं टॉप फाइव। इस सीजन के टॉप फाइव कंटेस्टेंट्स हमें मिल चुके हैं और वो हैं रुबीना दिलैक, राखी सावंत, अली गोनी, राहुल वैद्य और निकी तंबोली। कल रात देवोलीना भट्टाचार्य जी जो हैं वो इविक्ट हो जाती हैं फिनाले वीक से ठीक पहले, और इसके साथ ही जो कन्फ्यूजन बना था कि एजाज खान वापस आएंगे, एजाज खान नहीं आएंगे, तो एजाज खान घर में वापस नहीं आ रहे हैं क्योंकि एजाज खान बेघर हो चुके हैं। देवोलीना एजाज की प्रॉक्सी थी और फिनाले से ठीक एक हफ्ते पहले एजाज की जो है वो घर से विदाई हो गई है। आप लोगों को क्या लगता है, अगर एजाज खुद गेम में होते तो क्या वो फिनाले से पहले बेघर हो जाते? वैसे एजाज बेघर हो गए हैं लेकिन लग नहीं रहा है कि उन्हें ज़्यादा इस बात का फर्क पड़ा है, क्योंकि भाई उन्हें उनकी पवित्रा मिल गई है। पविजाज फैंस को पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। एजाज भले ही शो से बेघर हो गए हैं लेकिन बाहर उनका और पवित्रा का फुल ऑन सोशल मीडिया पर पीडीए चल रहा है। इनफैक्ट पवित्रा ने तो अपने कैप्शन में ये तक लिख दिया है कि उन्हें उनकी ट्रॉफी यानी एजाज मिल चुके हैं। ऐसे में एजाज का बिग बॉस से बाहर होने से मुझे लगता नहीं है कि उन्हें ज़्यादा फर्क पड़ेगा। खैर, टॉप फाइव मिल चुके हैं तो इस हफ्ते बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फिनाले वीक है। आपको पता है कि अब जो है मेकर्स रैप अप करने के मूड में, और ऐसे में एक चीज़ जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है वो है जर्नी एपिसोड। आपको पता है हर साल बिग बॉस में जो फाइनलिस्ट होते हैं उनकी हमें एक जर्नी दिखाई जाती है। बहुत ही इमोशनल एपिसोड ये होता है और इस एपिसोड का सभी लोग जो है वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि उनके फेवरेट कंटेस्टेंट की जो पूरी इमोशनल रोलर कोस्टर एक राइड बिग बॉस के अंदर है वो इसमें दिखाई जाती है। तो किसकी जर्नी के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? और जैसा कि मैंने बताया है फिनाले वीक है, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। अब जब शो की शुरुआत हुई थी तो आपको याद होगा राहुल और रुबीना ये बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं थे, बट जैसे जैसे शो जो है वो फिनाले की तरफ जा रहा है ऐसा लग रहा है कि इनकी दुश्मनी जो है वो दोस्ती में बदल रही है, और इसकी झलक आज रात ही आपको देखने को मिलेगी। आज रात कुछ आरजेस, पॉपुलर आरजेस जो हैं वो बिग बॉस के घर में जाएंगे और वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इन फाइनलिस्ट से, हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। और इसी दौरान जब एक आरजे राहुल से कहेंगे कि वो रुबीना के लिए गाना डेडिकेट करें, तो राहुल जो है वो रुबीना के लिए एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं और इसके बाद दोनों उस पर डांस भी करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इक्वेशन है राहुल और रुबीना का, ये फिनाले से पहले चेंज होने वाला है। इसके अलावा रुबीना दिलैक से जब पूछा गया कि वो एक कौन सा मोमेंट है जिसे रिग्रेट करती हैं बिग बॉस के घर में, तो वो कहती हैं पंचायत टास्क, क्योंकि उसी टास्क के बाद उनके और जैस्मीन के बीच जो है वो दरार आई थी, उनकी फ्रेंडशिप जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी। यानी रुबीना तो मुझे ऐसा लग रहा है शो ख़त्म होने से पहले जो भी अपनी जैस्मीन के साथ गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करने के मूड में है, लेकिन उनके फैंस जो हैं वो भी उन्हें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। रुबीना ने कई हिस्ट्री बनाए ट्विटर ट्रेंड्स में इस साल। हालांकि जैस्मिन की अगर बात की जाए तो जाते जाते भी शी वॉज इन नो मूड टू मेंड हर वेज विथ रुबीना, और ऐसे में रुबीना फैंस जो हैं वो जैस्मिन को ट्विटर पर भी टारगेट कर रहे हैं। तो फिलहाल किसकी जर्नी के लिए आप एक्साइटेड हैं? और भाई राहुल वैद्य का फाइनली जो उन्होंने दिशा को प्रपोज किया था शो के शुरुआत में, उसका कल आंसर भी मिल गया। बहुत ही रोमांटिक एपिसोड कहें, दोनों कलर कोऑर्डिनेटेड रेड आउटफिट में थे और आड़े हाथों उन्होंने सलमान खान को भी इनवाइट कर दिया, और जिसको सलमान खान ने एक्सेप्ट भी किया। सलमान ने कहा कि उन्हें उनकी वेडिंग पर वो ज़रूर मिलेंगे। और कल हमने बिग बॉस ट्रॉफी की भी झलक देखी, बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद आई ये ट्रॉफी। तो क्या लग रहा है आपको, वन लास्ट टाइम, हु अमंगस्ट ऑल दीज फाइव, यानी जो टॉप फाइव हैं इनमें से कौन ये जो चमचमाती ट्रॉफी है इसको लिफ्ट करने वाला है? बताइए हमें कॉमेंट्स के जरिए। एंड फॉर ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू फिनाले ऑफ बिग बॉस 14, कीप विजिटिंग द स्पेस। ABP News, आपको रखे आगे।